मैं खुद थोनू वोट पाई सी पिछली बार, हुण मैनू दसो मैं थोनू इस बार वोट क्यों पावां जी। मेरे ते परचा होया, मेरी घरवाली दा परचा होया, दसो असीं कित्थे जाइए। मैं अपने छोटे मणिवीर नूं भी गल करी सी, अपने हंसवीर नूं भी गल करी कि तुहाडे नाल मिलाओ जी मैनूं। असी किराए दे मकान ते रहने, मेरी बेटी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है, ग्लोबल किड अचीवर अवार्ड है, पूरी दुनिया के भी 150 बच्चों को अवार्ड मिलता है, उसका नाम आया है। महारानी परनीत कौर जी का धन्यवाद करता, उन्होंने सम्मानित किया है। ब्रह्म महिंद्रा जी जिहड़े अपने मिनिस्टर सीगे उन्होंने सम्मानित किया है, मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता। पर जिहड़ा मानयोग हाई कोर्ट के अतुल नंदा जी ने जिहड़ियां अपने सही पक्ष नहीं रखिया साडा पेरेंट का, मैनूं उस चीज़ ते नाराजगी है। मैं खुद थोनू वोट पाई सी पिछली बार, हुण मैनूं दसो मैं थोनू इस बार वोट क्यों पावां जी। दसो मैं थोनू क्यों वोट पावा, मेरे ते मेरी मेरे ते परचा होया, मेरी घरवाली दा परचा होया, दसो असीं कित्थे जाइए। असीं पूरे पटियाले नूं अपना घर मानदे आ जी, असीं सिर्फ अपना हक मंग रहे सीगे कि असीं सिर्फ इह मंगिया सीगा कि जिवें मैं सुनू दस्सिया दस, असीं इह मंगिया सीगा जी कि असीं उरे 12 तरीक शांति मार्च कढ़िया सीगा कि जिहड़ियां स्कूल दीआं फीसां हैगियां उह माफ़ कीतियां जाण, पर उरे डीसी साहब ने साडे ते स्पैशल परचा कीता, मेरे ते नहीं साडे ते चार चार परचे कीते, मेरे ते मेरे साथियां दे। दसो साडा की कसूर सी अगर असीं, हाँ जी हाँ जी, मेरा नाम अमनदीप सिंह ब्यूटी है, तो मैं पेरेंट्स ग्रुप पंजाब का एडमिन हाँ जी। तो मानयोग सुप्रीम कोर्ट, मानयोग हाई कोर्ट से जो फीसा का केस कोविड दौरान चल रहा है, तो वह मुख्य बिनेकार हाँ। तो अज उरे पटियाला दे विच लहल कलोनी दे विच ब्लॉक दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो कि सानू असी पिछले मैं 42 साल की उम्र च अज तक नहीं देखे सीगे, वो सिर्फ अपना नाम दे लैके वोटा लैने हैं। तो अज उस सिलसिले दे विच मैनू पता चलिया सीगा कि कैप्टन साहब अज उरे लहल दे विच एक मीटिंग करन जा रहे हैं, जिहदे करके मैं उरे आया, उन्होंने मिलन आया सीगा, तो मैं उन्होंने अपना जवाब पूछन आया सीगा कि जिहड़े मेरे सवाल उन्होंने जवाब दिता जाए। कोविड दौरान उन्होंने महामारी कोविड महामारी दौरान जो मानयोग हाई कोर्ट के केस चल रहा है, उन्होंने जो एडवोकेट थे अतुल नंदा जी, उन्होंने सब तो पहला जिहड़ियां पेरेंट्स दी जिहड़ियां सीगियां समस्यावां वह सही ढंग नाल मानयोग हाई कोर्ट के क्यों नहीं रखियां। दूजी गल, जो असी अपने बच्चों बेकसूर बच्चों पिछे असी अपना मार्केट के सड़कों के निकले, साढ़े तो कोविड का परचा क्यों कट्टिया गया, क्यों अज इन्हों अज नहीं लग्या, 144 लगी हुई है पूरे पटियाले के, अज किस विहाव से इन्होंने एड्डी वड्डी रैली की है, किवें एड्डा वड्डा कट किया, साडा की कसूर सीगा कि असी अपने बच्चों के, असी सिर्फ यही कसूर सीगा कि असी अपने बच्चों का हक मंगण लई सड़क से आए थे, मेरे तो मेरी मेरी मिसिज से मेरे साथियों से जिहड़ा हैगा चार चार परचे पाए गए, कोई सुनवाई नहीं हुई जी, बस इन्होंने लॉलीपॉप दे के तोड़ता कि आओ गल बुलाने बुलाने जी मीडिया ने गल कर करके उस तो बाद थोड़ी मीटिंग कराने, कोई मीटिंग नहीं कराई गई, मैंने बाहर करता है इस, मैं ही रखी थी कि देखो एक तो पहले सानू एक एक चीज़ का, अगर मैं उन्होंने पिछली बार जो इलेक्शन आई मैं उन्होंने वोटा पाई थी, मैं खुद वोट पाई थी, मेरी मिसी ने वोट पाई थी, चल ये करके इस करके नहीं पाई थी, वो कांग्रेस के अपने सीएम चेहरे हैं, असी इस गल करके पाई थी कि वह पटियाला एक साडे नुमाइंदे है जिहड़ा साडा अगे जाके संसद भी साडा साथ देंगे, पर उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। अज मैं उन्होंने मांग की थी कि जिहड़ा कोविड दौरान जिहड़ा मानयोग हाई कोर्ट च केस चलिया हैगा, तुसीं उन्हां दे विच साडे सही तरीके नाल पक्ष क्यों नहीं रखिया गया। एडवोकेट नंदा जिहदा 150 एडवोकेटां दा पैनल सीगा नाल,
ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ 188 ਦੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ 144 ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਰੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਰੇ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੂੰਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 72 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।